हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्राइड पर। और मैं वैभव श्रीवास्तव आप सभी को यहाँ पर लेकर के आ रहा हूँ नया एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का एक नया लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे टैक्सी वे ज्योमेट्री की। और ऑलरेडी यहाँ पर रनवे ज्योमेट्री की बात हमने अपने पिछले लेक्चर में की हुई है, तो आपने यदि वहाँ पर लेक्चर्स नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लेक्चर्स को वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही इन सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो हम टैक्सी वे की डिज़ाइन पढ़ने वाले हैं, टैक्सी वे ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, या टैक्सी वे डिज़ाइन ज्योमेट्री भी हम इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले समझना जरूरी है टैक्सी वे क्या है। ज्योमेट्री का मतलब हमें पहले से ही पता है, उसके डायमेंशन एंड शेप की बात की जा रही है, डायमेंशन एंड शेप्स की बात की जा रही है कि डायमेंशन एंड शेप्स क्या होंगे। तो टैक्सी वे के डिजाइन ज्योमेट्री की हमें यहां पर बात करनी है, ठीक है। तो अब हम आगे थोड़ा सा मैं डिटेल में यहां पर बताने वाला हूं कि टैक्सी वे क्या है। सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें कि व्हाट इज टैक्सी वे, टैक्सी वे क्या होता है। अगर मैं टैक्सी वे की बात करता हूं तो आपने देखा होगा यहां पर एक रनवे है, ठीक है, ये रनवे है। अब रनवे पे अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्टली आप रनवे पे पहुंच जाते हैं क्या? डायरेक्टली आप रनवे पे पहुंच जाते हैं? नहीं। आप क्या होती है, यहां पर एक बिल्डिंग होती है, इस बिल्डिंग के थ्रू आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेंगे। और एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेने पर आपको दो कंडीशंस मिलती हैं। एक पाथ होता है एयरप्लेन का, जो कि यहां से यहां तक बना होता है, तो हम बोलेंगे कि एक पाथ है, ये एक पाथ है जिसको हम बोलते हैं टैक्सी वे, जो रनवे को डिफरेंट स्पेसेस से, जहां से यात्री या फिर पैसेंजर्स बोर्डिंग कर रहे हैं या अनबोर्डिंग कर रहे हैं, तो वहां पर कनेक्ट करने के लिए, या फिर एक यहां पर स्पेस है जिसे हम बोलते हैं हैंगर। हैंगर किस लिए यूज होता है? अगर हम बात करें तो हैंगर का यूज होता है फॉर सर्विसिंग ऑफ प्लेन, फॉर सर्विसिंग ऑफ प्लेन, सर्विसिंग ऑफ प्लेन्स के लिए या फ्लाइट्स की सर्विसिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं? हैंगर को। तो हैंगर से लेकर के अगर मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है, हैंगर से यदि रनवे पे जाना चाहता है या रनवे से हैंगर पे जाना चाहता है, तो हमें एक पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सी वे। या फिर सपोज ये जो एयरप्लेन है आपका, जो एयरपोर्ट पे एयरप्लेन है आपका, वो इस बिल्डिंग के पास से बोर्डिंग अनबोर्डिंग नहीं कर रहा है, वो किसी एक और दूसरे एरिया से, जहां पर एयरक्राफ्ट की पार्किंग है, जहां पर एयरक्राफ्ट की क्या है, पार्किंग स्पेस है, एयरक्राफ्ट की पार्किंग स्पेस है, पार्किंग स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एप्रॉन। क्या बोला जाता है? एप्रॉन। तो एप्रॉन यहां पर बनाए हैं जहां पर कार्गोज की लोडिंग अनलोडिंग, मतलब जो भी लगेज है उसकी लोडिंग अनलोडिंग की जाती है। तो वहां से रनवे पे आपको विमान को ले जाना है, तो उस कंडीशन में एक पाथ बनाए जाएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे? टैक्सी वे बोला जाएगा। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी क्या? टैक्सी वे एक कनेक्टिंग लिंक है जिस जो रनवे और डिफरेंट स्पेसेस के बीच में, सो दैट हमारी जो फ्लाइट है वो प्रॉपरली उन स्पेस पर भी पहुंच जाए, जैसे कि एप्रॉन हुआ, हैंगर हुआ, या बैक हुआ, बिल्डिंग बैक हुआ, हैंगर बैक जैसे हम बोलते हैं, या बैक हैंगर स्पेस बोलते हैं। तो वहां पर अगर हम बात करते हैं तो इन सारे जगहों पर कनेक्टिंग लिंक जो है वो हमारा एयरप्लेन को इन सभी जगह पर ले जाने लाने के लिए, क्या हम रनवे और इनके बीच में एक स्पेस कनेक्टेड लिंक यूज कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सी वे। तो टैक्सी वे का होल एंड सोल पर्पस क्या हुआ? एक कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करना, जिससे कि एयरक्राफ्ट यानी हमारे प्लेन्स जो हैं वो बिटवीन हैंगर एंड रनवे, बिटवीन एप्रॉन एंड रनवे, बिटवीन जो बिल्डिंग है हमारी एंड रनवे, उनके बीच में मूव कर सकें। साथ ही साथ आपने देखा होगा कई बार कि अब बोलेंगे आप बिल्डिंग पे आप आते हैं, वहां पर गेट होते हैं यहां से एप्रॉन पे जाने के लिए, तो यहां से एप्रॉन पे जाने के लिए आपका एक पाथ बना होगा, जिसमें आप बसेस के थ्रू या कार्स के थ्रू, जो भी यहां पर व्हीकल्स अवेलेबल होते हैं, उनके थ्रू हम पैसेंजर्स को वहां पर पहुंचाते हैं। तो वहां पर हम बात करेंगे फिर अगेन एक कनेक्टिंग लिंक चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? टैक्सी वे बोला जाता है। तो टैक्सी वे के बारे में थोड़ा सा आप जान गए हैं, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ टैक्सी वे इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू द एयरक्राफ्ट फ्रॉम रनवे टू द लोडिंग एप्रॉन और सर्विस हैंगर एंड बैक, या तो सर्विस हैंगर के लिए, या फिर एप्रॉन्स के लिए, या फिर बैक के लिए, कहीं पर भी एक कनेक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करना
रनवे से, तो हम वो किसका फंक्शंस बोलेंगे, वो टैक्सी वे का फंक्शंस बोला जाएगा। अब टैक्सी वे का एक और डायग्राम मैं आपको दिखाई देता हूं। देखिए यहां पर जो ये बीच में स्ट्रिप दिखाई दे रही है, ये स्ट्रिप, ये पूरा रनवे है, ये पूरा क्या है, रनवे है। तो अगर मैं बात करूं ये रनवे है, मे बी पॉसिबल ये भी एक रनवे हो सकता है, हो सकता है एक एयरपोर्ट पे पैरेलली दो रनवे हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रनवे नंबर वन हो सकता है मेन रनवे, एक रनवे नंबर टू हो सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो ये स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे यहां पर लेस, अगर हम बोलते हैं विदाउट बिटुमिन है, ठीक है, तो ये जो स्पेस दिखाई दे रहे हैं ये आपका एप्रॉन हो सकता है, क्योंकि यहां पर व्हीकल की पार्किंग है, ये यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो सकता है, एप्रॉन हो सकता है। साथ ही साथ इनके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक जो दिखाई दे रही है, ये कनेक्टिंग लिंक दिखाई दे रही है, ये सभी क्या है आपके, ये टैक्सी वे कहे जाते हैं। ये क्या कहे जाते हैं, टैक्सी वे। और ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लीजिए रनवे एक ही हो और उसके पैरेलल में एक टैक्सी वे बनाया हो, सो दैट हमारा व्हीकल या हमारा एयरक्राफ्ट प्रॉपरली यहां से फंक्शनिंग कर पाए, प्रॉपरली फंक्शंस यहां पर कर पाए। तो अब ये तो आपको क्लियर हो गया है, टैक्सी वे क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है। बट टैक्सी वे बनाने के लिए सर्टेन फैक्टर होते हैं, तो अगर हम डिफरेंट फैक्टर की बात करें वो क्या क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टैक्सी वे कुछ इस तरीके से बना होना चाहिए कि जो हमारा टेक ऑफ ऑपरेशंस हो रहा है और जब हमारा लैंडिंग हो रहा है, तो दोनों एयरक्राफ्ट जो कि टैक्सिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं, मतलब टैक्सी वे से पास हो रहे हैं, मान लीजिए एक यहां पर लैंडिंग ऑपरेशंस हुआ और एक यहां से टेक ऑफ ऑपरेशन होना, ये टेक ऑफ हो रहा है, ठीक है, और ये क्या है, लैंडिंग ऑपरेशन है, सपोज, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जब लैंडिंग ऑपरेशन हो या टेक ऑफ ऑपरेशन हो, उस समय जो भी व्हीकल यहां आ रहे हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करें, मतलब एक एयरक्राफ्ट यहां से आ रहा है और एक एयरक्राफ्ट यहां से आ रहा है, तो इसकी लोकेशन इस तरीके से अरेंज होना चाहिए कि आपस में इन दोनों का हिंड्रेंस ना हो, इन दोनों को एक दूसरे से प्रॉब्लम ना हो। तो हम बात करते हैं यहां पर नंबर ऑफ हम टैक्सी वे प्रोवाइड कर सकते हैं, एक नहीं, हम नंबर ऑफ टैक्सी वे यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इन सभी टैक्सी वे में हम ये इंश्योर करेंगे कि जो हमारा टैक्सिंग फ्लाइट है, मतलब ये जो फ्लाइट है वो यहां से जाएगा बाहर और जो टेक ऑफ वाला फ्लाइट है वो यहां से आ रहा होगा, सपोज, तो इस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे कि हमारा जो टेक ऑफ फ्लाइट है एंड लैंडिंग फ्लाइट है, दोनों में जो टैक्सिंग ऑपरेशन हो रहा है, टैक्सिंग ऑपरेशन मतलब कि केवल एक ही यहां पर टैक्सी वे नहीं हो, नहीं तो यहीं से आना पड़ेगा और यहीं से जाना पड़ेगा, तो जब टैक्सिंग ऑपरेशन हो रहा है उस कंडीशन में हिंड्रेंस प्रॉब्लम ना हो, तो ये कंडीशन हमें रखना है, पहली कंडीशन। दूसरा, इससे होगा क्या, नंबर ऑफ अगर टैक्सी वे बनाए, नंबर ऑफ आपने टैक्सी वे बनाए तो इससे होगा क्या, समझिएगा, मान लीजिए कोई लैंडिंग की हुई फ्लाइट है और वो लैंडिंग की हुई फ्लाइट आधे डिस्टेंस में आकर के रुक गई, बट आपने जो टैक्सी वे बनाए हैं, एक स्टार्टिंग में बना दिया, एक एंड में बना दिया, तो क्या इतना एक्स्ट्रा फ्यूल कंजम्पशन इसको करना पड़ेगा या नहीं, इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस अगर हम बात करें, यहां पर आकर के रुक गई है, अगर लैंडिंग की है और यहां पर आकर के रुक गई है, एक्स एक्स सेक्शन पे आकर के फ्लाइट रुक गई है, तो इसको एक्स्ट्रा चलना होगा और उसमें होगा फ्यूल का कंजम्पशन, तो हमारी लागत भी बढ़ जाएगी। दूसरा, रनवे उतने समय तक ऑक्यूपाई रहेगा, कोई दूसरा प्लेन उतने समय तक ना ही टेक ऑफ ऑपरेशन कर पाएगा ना ही लैंडिंग कर पाएगा, तो रनवे उतने समय तक ऑक्यूपाई रहेगा, तो रनवे की जो कैपेसिटी है पर आर, कितने प्लेन टेक ऑफ कर रहे हैं, कितने प्लेन लैंडिंग कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर रनवे कैपेसिटी डिफाइन होती है, तो रनवे की कैपेसिटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाएगी या नहीं, क्योंकि जो टाइम ऑक्यूपेंसी टाइम है वो फ्लाइट का बढ़ जाएगा अगर हमने नंबर ऑफ एग्जिट वे नहीं बनाए, टैक्सी वे नहीं बनाए, तो ऐसे टैक्सी वे जो नंबर में ज़्यादा होते हैं और मोस्टली रनवे का क्लियरेंस करने के काम में आते हैं, उनको बोलते हैं एग्जिट टैक्सी वे, क्या बोलते हैं, एग्जिट टैक्सी वे, तो नंबर ऑफ एग्जिट टैक्सी वे होना चाहिए जिससे हमारा रनवे की कैपेसिटी बढ़ेगी और फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा। तीसरा पैरामीटर क्या बोलता है, तीसरा पैरामीटर है शॉर्टेस्ट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट लेंथ होना चाहिए, शॉर्टेस्ट लेंथ क्यों, अगेन शॉर्टर लेंथ, जहां से भी मान लीजिए अगर आप एप्रॉन से आना चाह रहे हैं, अगर आप एप्रॉन से यहां तक, सॉरी एप्रॉन से आप रनवे आना चाह रहे हैं, हैंगर से रनवे आना चाह रहे हैं या बिल्डिंग से रनवे आना चाह रहा है, तो यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। शॉर्टेस्ट क्यों बोला है, समझ में आ रही है बात, शॉर्टेस्ट क्यों बोला है,
क्योंकि जितना लॉन्ग होगा उतना ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन, और फ्यूल यहाँ पर महंगा आता है साहब। आजकल तो सारे ही फ्यूल महंगे आ रहे हैं, बट यहाँ पर जो फ्यूल है इंजन के लिए यूज़ किया जाता है वो फ्यूल क्या आता है, महंगा आता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस्ट इफेक्टिव, शॉर्टेस्ट रहेगा तो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए सपोज यहां पर दो रनवे बना दिए, एक रनवे, ये रनवे वन और एक रनवे टू बना दिया, एक रनवे क्या बना दिया, टू बना दिया। मान लीजिए टू रनवे पैरेलल में जा रहे हैं और आपने यहां से बीच में एक टैक्सी वे निकाल दिया, ये क्या निकाल दिया, टैक्सी वे, ये निकाल दिया टैक्सी वे। अगर टैक्सी वे निकाल दिया, मान लीजिए यहां से कोई फ्लाइट आती है तो वो फ्लाइट यहां से मुड़ने की कोशिश करेगी, और यहां से कोई ऑपरेशन लैंडिंग या टेक ऑफ करवाना चाह रहे, मान लीजिए लैंडिंग करवाना चाह रहे तो यहां बीच में आ रहा है, या टेक ऑफ करवाना चाह रहे तो ये टैक्सी वे बीच में आ रहा है। तो ऐसे कभी भी टैक्सी वे और रनवे आपस में इंटरसेक्ट ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, अगेन वही प्रॉब्लम, टेक ऑफ एंड रनवे, सॉरी टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे इफेक्ट हो जाएंगे, और अगर टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशंस को थोड़ा सा भी अफेक्ट हुआ तो रनवे की कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ जाएगा, और कैपेसिटी पे अफेक्ट पड़ा तो पूरी डिजाइनिंग हमारी फेल माना जाएगी, क्योंकि हमें कैपेसिटी ऑप्टिमम रखना है। अब बार बार वर्ड कैपेसिटी यूज हो रहा है, सामर्थ्य, कैपेसिटी का मतलब क्या है, सामर्थ्य, कैपेसिटी का मतलब होता है सामर्थ्य, मतलब एक घंटे में कितने फ्लाइट्स की हम लैंडिंग या कितने फ्लाइट्स का टेक ऑफ करवा सकते हैं, ये नंबर हमारा मैक्सिमम होना चाहिए। साथ ही साथ डिपेंड करेगा ये कि टैक्सी वे का डिजाइन किस तरीके से है, क्या हमारा आराम से टैक्सी वे से रनवे, सॉरी एप्रॉन से रनवे पहुंच रहा है, हैंगर से रनवे पहुंच रहा है, या रनवे से हैंगर, या रनवे से एप्रॉन पहुंच रहा है आराम से फ्लाइट्स, या नहीं पहुंच रही है, उस बेसिस पे हमें ये बात करनी है। साथ ही अगर हम बात करेंगे इस तरीके कोई हिंड्रेंस हुआ, तो मान लीजिए अनलोडिंग ऑफ लगेज होना है तो पैसेंजर बाहर वेट करेंगे, तो ये फिर से डिजाइन का फेल्योर हुआ, सर्विस प्रॉपर नहीं हो पाई, और सर्विस प्रॉपर नहीं हो पाई तो हमारा डिजाइन का फेल्योर हुआ। तो इन सभी पॉइंट्स को आपने देखा कि किस तरीके से हमें टैक्सी भी अरेंज करना चाहिए, क्या क्या फैक्टर हैं, तो एक बार इनको लैंग्वेज में और देख लेते हैं हम कि लैंग्वेज में ये फैक्टर किस तरीके से रिटर्न किए जाएंगे। ठीक है, तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग द टैक्सी वे लेआउट, टैक्सी वे का लेआउट जो है वो कौन कौन से फैक्टर हैं कंट्रोल कर रहे हैं। पहला फैक्टर क्या है, इट शुड बी अरेंज्ड इन सच अ मैनर दैट लैंडेड एयरक्राफ्ट टैक्सिंग टुवर्ड्स एप्रॉन, टैक्सिंग टुवर्ड्स एप्रॉन का मतलब है जो कि लैंड किया है अभी अभी, अब एप्रॉन की तरफ जा रहा है, टैक्सिंग टुवर्ड्स एप्रॉन शुड नॉट इंटरफियर विद द एयरक्राफ्ट टैक्सिंग फॉर टेक ऑफ, मतलब एक ऐसे एयरक्राफ्ट के साथ इंटरफियर नहीं करना चाहिए जो कि टेक ऑफ ऑपरेशंस के लिए जा रहा है, मतलब टैक्सी वे पर, टैक्सिंग फॉर टेक ऑफ मतलब टैक्सी वे के थ्रू टेक ऑफ ऑपरेशंस के लिए जा रहा है, तो ये दोनों का हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, टैक्सी वे शुड बी लोकेटेड एट वेरियस पॉइंट, टैक्सी वे क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पे अलोकेटेड होना चाहिए, कहां पर, मोस्टली एट बिजी एयरपोर्ट्स, एट बिजी एयरपोर्ट, जितने भी बिजी एयरपोर्ट्स हैं उन सभी बिजी एयरपोर्ट्स पर हमें नंबर ऑफ एग्जिट वे देना पड़ेंगे, नंबर ऑफ टैक्सी वे पॉइंट्स देना पड़ेंगे अलोंग रनवे, रनवे के अलोंग, फॉर इजी एंड अर्ली क्लियरेंस ऑफ रनवे, फॉर इजी एंड अर्ली क्लियरेंस ऑफ रनवे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ टैक्सी वे पॉइंट्स क्यों देना जरूरी है, इजी एंड अर्ली क्लियरेंस ऑफ रनवे क्लियर करने के लिए, एंड सच टैक्सी वेज आर कॉल्ड एज एग्जिट टैक्सी वे। आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एप्रॉन एंड रनवे एंड शुड बी अवेलेबल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवेलेबल होना, इतना इसका सिंपल सा मतलब क्या है, द टैक्सी वे लेंथ शुड बी एज शॉर्ट एज पॉसिबल, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल हो पाए उतना शॉर्ट से शॉर्ट हमारा टैक्सी वे का लेंथ होना चाहिए। तो ये हमारा टर्म्स ये बोलने की कोशिश कर रहा है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ रनवे एंड टैक्सी वे शुड बी अवॉइडेड, जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है रनवे एंड टैक्सी वे का, हमने बात की थी यहाँ पर कि दो रनवे है तो रनवे और टैक्सी वे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हाँ, यदि अगर डिजाइनिंग हम नहीं बना पा रहे हैं कुछ इस तरीके से, या कुछ हिंड्रेंस हैं, कोई ऑब्स्टिकल हैं,
तब हम बात करेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन हो सकता है, बट अगर पॉसिबल है तो हम इसको अवॉइड करेंगे. नेक्स्ट, एग्जिट टैक्सीवे शुड बी डिजाइन फॉर हाई टर्न ऑफ स्पीड. हाई टर्न ऑफ स्पीड का मतलब क्या है? हाई टर्न ऑफ स्पीड का मतलब है कि जल्दी से जल्दी वहां से जो भी हमारा जो एग्जिट टैक्सीवे है वहां पर, जैसे मान लीजिए ये वाला टैक्सीवे है, ठीक है, ये वाला टैक्सीवे, ये एग्जिट टैक्सीवे एक तरीके से क्या है, एग्जिट टैक्सी, एग्जिट पॉइंट के लिए यूज हो रहा है, तो एग्जिट टैक्सीवे है. तो यहां पर हाई टर्न ऑफ, टर्न ऑफ अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखा है, हाई टर्न ऑफ. हाई टर्न ऑफ का मतलब है जल्दी से यहां से एयरप्लेन निकलना चाहिए. मतलब यहां पर क्या बात की जा रही है वो समझना, यहां पर बात की जा रही है, देखिएगा ये कर्व बन के आ रहा है, क्या बन के आ रहा है, ये कर्व बन के आ रहा है यहां पर, और कर्व का जो रेडियस है वो मैक्सिमम होना चाहिए. तो इस रेडियस को बोला जाता है टर्निंग रेडियस. क्या बोला जाता है? टर्निंग रेडियस. तो अगर हम बात करते हैं, एक डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं, सपोज ये आपका रनवे है और रनवे से आपको टैक्सीवे निकालना है. ये टैक्सीवे निकाला आप, ये क्या निकाला, टैक्सीवे निकाला. ये आपका रनवे है और रनवे से क्या निकाल लिया है आपने, यहां पर टैक्सीवे निकाल दिया है. और अगर यहां से टैक्सीवे निकाला है तो ये वाला पोर्शन देखिएगा, कर्व पोर्शन आया या नहीं, ये वाला जो पोर्शन आया है वो कैसा आया, कर्व पोर्शन. इस कर्व पोर्शन का जो रेडियस होगा उस रेडियस को बोला जाता है टर्निंग रेडियस. क्या बोला जाता है? टर्निंग रेडियस, ठीक है. और ये टर्निंग एडियस रेडियस जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, जितना मैक्सिमम, क्योंकि अगर मैक्सिमम होगा तो हम बात करते हैं, अगर जितना ज्यादा मैक्सिमम रेडियस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेट पाथ आपको मिलेगा या नहीं, उतना ज्यादा स्ट्रेट, दो पॉइंट के बीच में उतना ही ज्यादा स्ट्रेट पाथ आपको. यहां देखिए कर्व ज्यादा है, यहां कर्व कम हुआ, यहां कर्व और कम हुआ, और रेडियस बढ़ता जाएगा तो कर्व और भी कम होता जाएगा. तो आसानी से जब रनवे से टैक्सी वे पर जा रहे हैं तो आपको स्पीड का ज्यादा मॉड्यूलेशन नहीं करना होगा, और ज्यादा मॉड्यूलेशन नहीं करना होगा तो आसानी से आपका एयरक्राफ्ट इस टर्न ऑफ पे आसानी से निकल जाएगा. तो वही तो बोला गया है कि हाई स्पीड टर्न ऑफ होना चाहिए. क्या होना चाहिए? हाई टर्न ऑफ होना चाहिए, हाई टर्न ऑफ स्पीड होना चाहिए. मतलब जब रनवे पे है तब एयरक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रनवे पे लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशन के बाद बहुत ज्यादा स्पीड होती है, ठीक है. तो हम बात करते हैं स्पीड ज्यादा होती है, जबकि टैक्सी वे पर स्पीड जो होती है वो रनवे से कम होती है, रनवे से कम. तो यहां पर बोल रहा है हाई टर्न ऑफ स्पीड होना चाहिए, मतलब जब निकल रहे हैं तब हाई टर्न ऑफ स्पीड होगी तो हमारा रेडियस कंट्रोलिंग होना चाहिए. तो ये पॉइंट रेडियस को कंट्रोल करने की बात कर रहा है. तो क्या बोल रहा है, एग्जिट टैक्सी वे शुड बी डिजाइन फॉर हाई टर्न ऑफ स्पीड देन रिजल्ट एंड दिस रिजल्ट इन, ऐसा लिखिएगा, दिस रिजल्ट इन लेस ऑक्यूपेंसी टाइम एंड इंक्रीज इन एयरपोर्ट कैपेसिटी. ये क्या करता है, ऑक्यूपेंसी टाइम को कम करेगा और एयरपोर्ट कैपेसिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा. तो ये पांच फैक्टर हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं रनवे लेआउट को डिसाइड करते समय, रनवे लेआउट डिसाइड करते समय. आई होप ये पांचों फैक्टर क्लियर होंगे. अब यदि हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है, ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे. और अगर ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो हमने देखा हुआ था कि रनवे में भी हमने कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन स्टैंडर्ड पढ़े हुए थे, जैसे कि हमारे लेंथ ऑफ टैक्सी वे, विड्थ ऑफ सेफ्टी एरिया, सेफ्टी एरिया हमने पढ़ा हुआ था. हमने बोला हुआ था रनवे के दोनों तरफ, ये रनवे था, रनवे के दोनों तरफ शोल्डर का जो एरिया है और शोल्डर के बाद कुछ एक्स्ट्रा एरिया हमने प्रोवाइड किया हुआ था, उसको हम क्या बोल रहे थे, ये पूरा एरिया क्या था, सेफ्टी एरिया. उसी तरीके से ये जो पूरा एरिया था ये क्या था, सेफ्टी एरिया. उसी तरीके से यहां पर भी टैक्सी वे के दोनों तरफ हम कुछ सेफ्टी एरिया प्रोवाइड करेंगे. तो विड्थ ऑफ सेफ्टी एरिया की बात करेंगे. लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट हमारा क्या कॉस्ट को फिर से अफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट ज्यादा हुआ तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा, अगर लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट कम हुआ तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, या फ्लैट हुआ जनरली तो हम बात करेंगे. क्योंकि अगर ज्यादा स्टीप ग्रेडियंट होगा तो या तो टेक ऑफ ऑपरेशन के टाइम या लैंडिंग ऑपरेशन के टाइम किसी एक टाइम पर हमें प्रॉब्लम आएगी फ्यूल कंजम्पशन की. तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट पर भी डिपेंडेंसी है. ट्रांसवर्स ग्रेडियंट हमने बात की थी, जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या कही जाएगी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन. और ट्रांसवर्स डायरेक्शंस के हम स्लोप क्यों देखते हैं, मेन पर्पस क्या होता है हमारा, ड्रेनेज.
तो ड्रेनेज के पर्पज से हमें ट्रांसवर्स ग्रेडियंट भी देखना पड़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो अगेन अगर ज्यादा चेंजेस आ गए तो आपका एक वर्टिकल कर्व बन जाएगा, और वर्टिकल कर्व बन जाएगा तो मे बी पॉसिबल साइट डिस्टेंस की प्रॉब्लम आ जाए। एक व्हीकल्स मान लीजिए यहां से आ रहा होगा और एक व्हीकल रनवे पे यहां टैक्सी वे से यहां से आ रहा होगा, तो ये हो सकता है कि साइड डिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाए। इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट जो है वो हमें कांस्टेंट रखना होगा, कुछ लिमिटेड रखना होगा, इसलिए हम यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात करेंगे। साइड डिस्टेंस आपने हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की हुई थी, साइड डिस्टेंस का मतलब होता है कितना फ्री विजन अवेलेबल होना चाहिए सो दैट जो भी क्रिटिकल कंडीशन है उनको पहले ही कंट्रोल किया जाए। और टर्निंग रेडियस यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, इस पे हमारे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखेंगे टर्निंग रेडियस होता क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टैक्सी वे डिजाइन स्टैंडर्ड्स आर नॉट एज रिजिड एज दे आर फॉर रनवे। रनवे के लिए जो हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े हुए थे अपने लास्ट लेक्चर में वो काफी रिजिड हैं। ठीक है, उनको काफी सारे अजम्पशंस मान करके, क्योंकि रनवे पे जो हमारा एयरक्राफ्ट होता है बहुत हाई स्पीड में होता है, जबकि टैक्सी वे पर जो स्पीड होगी वो रनवे से बहुत कम होती है, रनवे से बहुत कम, क्योंकि बस वहां पर मूव कर रहा होता है। तो एक पॉइंट जरूर नोट करके लिख लेना, नोट करके मेंशन कर लेना, द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, सॉरी द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट एट रनवे is much higher than the speed of aircraft at taxiway। तो ध्यान रखिएगा दोनों जगह पर हम स्पीड सेम नहीं रखते हैं, स्पीड कम रखते हैं। तो अब जो ध्यान रखना, taxiway की जो डिजाइन की जाएगी वो नॉर्मल पेवमेंट की तरह कर सकते हैं, बस इतना करना है कि ये सफिशिएंट होगा। तो इसको बोलेंगे डिजाइंड विथ लाइट वेट मटेरियल से भी हम इसको डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाई स्पीड में व्हील्स निकला तो ये इस मटेरियल पे कुछ ना कुछ इंपैक्ट जरूर देगा। लेकिन अगर नॉर्मल स्पीड में निकला तो हम वहां पर लोअर क्वालिटी का मटेरियल भी यूज कर लेंगे, तो उस कंडीशन में हमारी डिजाइन इफिशियंट हो जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमारी टैक्सी वे की डिजाइन होती है वो बिटुमिन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन रनवे की डिजाइन केवल और केवल बिटुमिन के साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी और वो बिटुमिन फेल भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पर हायर ऑर्डर ऑफ बिटुमिन का यूज करेंगे, यहां पर नॉर्मल बिटुमिन भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अगेन ये पॉइंट मैंने आपको मेंशन करा दिया है कि रनवे के जो डिजाइन स्टैंडर्ड है वो रिजिड है, जबकि टैक्सी वे के रिजिड क्यों नहीं है, उसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि स्पीड दोनों की अलग अलग है। जनरली रनवे पे स्पीड बहुत ज्यादा है और टैक्सी वे पे स्पीड बहुत कम है, जिसके कारण काफी सारे फोर्सेस में वेरिएशन आता है, काफी सारे फोर्सेस, जैसे फ्रिक्शन फोर्स की बात करें और हीट डेवलप होती है काफी ज्यादा, तो वो सारी चीजें यहाँ पर चेंजेस हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर नॉर्मल तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन एक एक करके इन पैरामीटर्स को और पढ़ लेते हैं, ये पैरामीटर्स क्या बोलते हैं। पहला पैरामीटर लेंथ ऑफ टैक्सी वे, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, हमने ऑलरेडी बात करी, इट शुड बी एट एज शॉर्ट एज पॉसिबल बिकॉज हमारा फ्यूल कंजम्पशन बचेगा। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड, ICAO did not specify ICAO एंड ऐसा लिख रहे हैं, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, डिड नॉट स्पेसिफाई एनी स्टैंडर्ड फॉर लेंथ ऑफ टैक्सी वे। ठीक है, टैक्सी वे की लेंथ के लिए कोई भी स्टैंडर्ड नहीं बताया गया है।
जितना लेंथ रिक्वायर्ड होगा उतना लेंथ हमें प्रोवाइड करना होगा, बट हमारी कोशिश ये होगी कि ये मिनिमम से मिनिमम हो, दो पॉइंट के बीच में ये हमारी मिनिमम से मिनिमम हो। तो एक चीज़ बच गया आप डाटा याद करने से कि टैक्सी वे की लेंथ का डाटा याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, पहला चीज़। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं विड्थ ऑफ टैक्सी वे। तो हमने देखा था रनवे में, जब भी हम बात कर रहे थे रनवे में, तो रनवे में विड्थ आपने कितना बोला था, मैक्सिमम कितना बोला था, 45 मीटर बोला था और 18 मीटर बोला था, ये हमने डाटा यूज किया होता। लेकिन टैक्सी वे के केस में विड्थ इज मिनिमम देन या विड्थ इज लेसर देन रनवे, लेसर देन रनवे, रनवे से क्या होती है, कम। रनवे से कम क्यों, दो रीजन है इसके। पहली बात, रनवे पे अगर हम बात करते हैं तो स्पीड बहुत ज्यादा है, एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये कहां पर है, रनवे पर। और टैक्सी वे पर बात करें तो टैक्सी वे पर इसके कंपेरिजन कम है, तो यहां पर जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोलिंग आसान है या नहीं, कंट्रोलिंग ऑन टैक्सी वे इज ईजी, और कंट्रोलिंग ईजी हो जाएगी तो कम विड्थ में भी हम बात कर लेंगे कि सेंटर लाइन पे हमारा एयरक्राफ्ट मूव करेगा, और सेंटर लाइन पे मूव करने के कारण जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही हम यहाँ पर विड्थ हम प्रोवाइड करते हैं। तो जनरली हम जो विड्थ प्रोवाइड करते हैं तो वो हम बात करते हैं इज मच लोअर देन द रनवे विड्थ, बिकॉज व्हेन एयरक्राफ्ट रन ऑन द टैक्सी वे दे आर नॉट एयरबॉर्न। मतलब जब टैक्सी वे पर उन्हें चलना है तो हाई स्पीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेक ऑफ ऑपरेशन के पहले हाई स्पीड चाहिए है, या लैंडिंग ऑपरेशन के पहले, लैंडिंग ऑपरेशन के बाद जो हमारी स्पीड होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो उस कंडीशन में अनकंट्रोल्ड होने के चांसेस होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लीजिए सेंट्रल लाइन पर नहीं आए, रनवे के सेंट्रल लाइन पर नहीं आया, और रनवे के सेंट्रल लाइन पर नहीं आया तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जबकि टैक्सी वे में ऐसा नहीं है, वहां पर स्पीड कम होगी तो हमारा कंट्रोलिंग काफी अच्छी होगी। अगेन हम बात करते हैं विड्थ के लिए कोई स्पेसिफिकेशन ज्यादा नहीं है, बट 7.5 मीटर की विड्थ हमें यहां पर बोला गया है छोटे एयरक्राफ्ट के केस में, ठीक है। अगेन आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट होता है विड्थ ऑफ सेफ्टी एरिया। तो सेफ्टी एरिया की बात की थी, ये मान लीजिए आपका टैक्सी वे है, ये क्या है, टैक्सी वे, तो टैक्सी वे के दोनों तरफ हम क्या बनाएंगे, शोल्डर, और शोल्डर के बाद ये हमने क्या बनाए हैं, शोल्डर, और शोल्डर के बाद अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे कहलाते हैं शोल्डर, और शोल्डर के बाद यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा एरिया पेव्ड एरिया यहाँ पर हम छोड़ देंगे, ये हमारा पेव्ड एरिया है, पेव्ड एंड ग्रेडेड एरिया, पेव्ड एंड ग्रेडेड एरिया। तो इसी एरिया को क्या नाम दिया गया है, सेफ्टी एरिया। तो ये हमारा पेव्ड एंड ग्रेडेड एरिया है जहाँ पर ड्रेनेज भी प्रॉपर बनाया गया है। तो अगर हम बात करते हैं, दिस एरिया इंक्लूड्स टैक्सी वे पेवमेंट शोल्डर्स, टैक्सी वे पेवमेंट का शोल्डर्स ऑन ईदर साइड दैट मे बी पार्शली पेव्ड प्लस द एरिया दैट इज ग्रेडेड एंड ड्रेन्ड। मतलब ये पूरा कंप्लीट एरिया, इतना पूरा कंप्लीट एरिया को क्या नाम दिया गया है, सेफ्टी एरिया। टैक्सी वे के अलावा अगर बगल में भी गाड़ी चली जाए हमारी तो हमारा इस तरीके से। अगेन पूछा जाता है शोल्डर, तो शोल्डर किस तरीके से डिजाइन होते हैं, तो शोल्डर शुड बी डिजाइंड, ऐसा लिख लेते हैं हम, शोल्डर शुड बी डिजाइंड सच दैट दे कैन बियर द वेट ऑफ एयरक्राफ्ट और द व्हीकल, द पेट्रोलिंग व्हीकल, जो भी पेट्रोल भरने के लिए व्हीकल्स यूज करते हैं उन पेट्रोलिंग व्हीकल्स एंड अदर्स और अदर्स व्हीकल जो भी वहां पर मूव कर रहे हैं। मान लीजिए यहां से एयरक्राफ्ट जा रहा है, यहां से एक व्हीकल आ रहा है, तो शोल्डर से ये व्हीकल निकल जाएगा या नहीं। तो इस तरीके से हमारा इतना सफिशियंट होना चाहिए कि वो इन सब वेट्स को बियर कर सके और यहाँ पर डैमेज ना हो, ठीक है। तो हम बात करते हैं शोल्डर्स, तो ये एरिया सेफ्टी एरिया की डेफिनेशन हो गई। दिस एरिया इंक्लूड टैक्सी वे का पेवमेंट शोल्डर, ये शोल्डर ऑन ईदर साइड एंड मे बी पार्शली पेव्ड सरप्लस,
जो कि पार्शली पेव्ड हो सकता है, ऐसा नहीं है जरूरी है कि बिटुमिन का बने, पार्शली पेव्ड भी हो सकता है। तो जनरली जो शोल्डर्स बने होते हैं वो बिटुमिन के बने होते हैं, बिटुमिन के बने होते हैं। किसके? जनरली जो हम यूज करते हैं वो किसके? बिटुमिन, बिटुमिन शोल्डर, जनरली बिटुमिन शोल्डर्स हम जनरली यूज कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उसके अलावा जो बाहर का ग्रेडेड एरिया है, जो ड्रेन्ड है, वो भी हम उसमें काउंट कर लेते हैं। अगेन द सर्टेन विड्थ से 7.5 मीटर 25 फिट ऑफ शोल्डर एडजसेंट टू पेवमेंट एज, ठीक है, शुड बी पेव्ड विथ लाइट स्ट्रेंथ मटेरियल विथ स्मूथ एंड इम्परवियस सरफेस। तो हम बात कर रहे हैं जो शोल्डर मटेरियल है एंड सेफ्टी एरिया का मटेरियल है वो लाइट स्ट्रेंथ मटेरियल से होना चाहिए, लाइट स्ट्रेंथ मटेरियल से विथ स्मूथ एंड इम्परवियस सरफेस। इम्परवियस सरफेस का मतलब क्या है? कि पानी नीचे साइड पे परकोलेट नहीं होना चाहिए, ऐसी सरफेस होना चाहिए पानी नीचे की साइड पे, क्योंकि पानी नीचे की साइड पे अगर परकोलेट हो गया तो नीचे की सॉइल क्या हो जाएगी? नीचे की सॉइल क्या हो जाएगी? लाइट वेट हो जाएगी, या हम बोलें सॉफ्ट हो जाएगी, और सॉफ्ट हो जाने के कारण ऊपर का वेट प्रॉपरली नहीं ले पाएगा। तो हम बात कर रहे हैं विथ स्मूथ एंड इम्परवियस सरफेस होना चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए जिससे फ्रिक्शन कम से कम लगे, और इम्परवियस होना चाहिए, ठीक है। कितना? 7.5 मीटर मिनिमम सर्टेन हम बात कर रहे हैं, 7.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। एंड शोल्डर मस्ट बी थिक इनफ टू सपोर्ट एयरपोर पेट्रोल व्हीकल एंड स्वीपिंग इक्विपमेंट्स। जो भी हम बात कर रहे हैं शोल्डर की डिजाइन करनी है वो इस तरीके से इतने थिक होने चाहिए कि जो पेट्रोलिंग व्हीकल है एंड स्वीपिंग इक्विपमेंट्स हैं, स्वीपिंग मतलब सफाई वाले जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनके उनका लोड बियर कर पाए। और मैं एक और चीज बता देता हूं, जब तक जेट विमान नहीं आए थे, जेट विमान नहीं आए थे, तो शोल्डर वाले पोर्शंस को अनपेप्ड भी रख दिया जाता था, क्योंकि वहां पर ज्यादा डस्ट इरोड नहीं होती थी, और छोटे मोटे जो वीट्स वगैरह लग जाता था, यानी खरपतवार लग जाते थे, वो भी निकल जाती थी, ठीक है, वो भी निकल जाती थी। बट जब जेट इंजन आए तो जेट इंजन के जो जेट होते हैं दोनों, उन जेट से इतना ज्यादा हमें वहां पर इम्पल्स मिलता है कि जो सॉइल है वो इरोड होने लगती है, तो शोल्डर के दोनों साइड खाई बन जाएगी, खाई बन जाएगी मतलब डिप्रेशन आ जाएगा, वो सॉइल इरोड होगी, और सॉइल इरोड होने के कारण क्या आ जाएगी? वहां पर डिप्रेशन आ जाएगा। इसलिए अब शोल्डर को हमेशा पेव्ड बनाया जाता है जेट एयरवेज के कारण, जेट एयरवेज के कारण, कि उनकी जेट जो है वो सॉइल को बहुत इरोड कर देते हैं, और इरोजन से बचने के लिए हम वहां पर पेव्ड शोल्डर का अब यूज कर रहे हैं। तो मिनिमम पेव्ड तो होना ही चाहिए। क्लियर है सेफ्टी एरिया के बारे में? अब सारी चीजें क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट। तो ICAO ने रिकमेंड किया है क्या, कि जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है मतलब लेंथ वाइज जो ग्रेडियंट है, यदि आप ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, तो शुड नॉट एक्सीड, लिखा है शुड नॉट एक्सीड, तो कितना लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात, शुड नॉट एक्सीड 1.5% फॉर ए एंड बी टाइप ऑफ एयरपोर्ट एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3% फॉर किसके लिए, रेस्ट ऑफ द सी डी एंड ई टाइप ऑफ एयरपोर्ट। क्लियर है बात? ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट की वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट इससे ज्यादा होता है तो हमारा फ्यूल कंजम्पशन होगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट क्यों रजिस्ट किया गया है, फ्यूल के कंसिडरेशन को देखते हुए। तो हम बात करें हैं, इट अफेक्ट्स द फ्यूल कंजम्पशन। जो भी फ्यूल कंजम्पशन होगा उस फ्यूल कंजम्पशन को कौन अफेक्ट करेगा, हमारा लॉन्गिट्यूडनल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है या एक स्टेटमेंट लिख के भी दे सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट को हम लिमिटेड वैल्यू किए हुए हैं जिससे हमारा फ्यूल कंजम्पशन मैक्सिमाइज हो या ऑप्टिमाइज हो इस कारण से। तो या बोल सकता है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो फ्यूल कंजम्पशन को अफेक्ट करता है, तो बिल्कुल अफेक्ट करेगा। अगर ज्यादा स्टीपर स्लोप हो जाएगा तो हमें ज्यादा पावर देना होगा, और ज्यादा पावर के लिए ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो फ्यूल कंजम्पशन की बात हम यहां पर करने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स स्लोप, अगर ट्रांसवर्स स्लोप की बात करें ग्रेडियंट, तो हम इसके जो परपेंडिकुलर दिया जाएगा वो हमारा ट्रांसवर्स स्लोप कहा जाएगा। और ट्रांसवर्स स्लोप की यदि मैं बात करता हूं तो ये क्विक ड्रेनेज पर्पस से ही हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, केवल और केवल क्या होता है, क्विक ड्रेनेज पर्पस से ही हम इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और कोई भी पर्पस हमारा नहीं होता है, कोई भी पर्पस नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट,
ICAO recommends that it should not exceed, तो हम बात करें transverse gradient should not exceed 1.5% for A, B and C, A, B, C के लिए, and it should not be greater than 2% for D and E type of airport. तो यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर maximum value 2 है, जबकि दोनों में 1.5 दोनों में same है. और जनरली जब क्वेश्चंस में टाइप ऑफ एयरपोर्ट मेंशन नहीं हो तो हम जनरली ए के लिए कंसीडर करते हुए बात कर लेते हैं. किसके लिए? जनरली ए टाइप ऑफ एयरपोर्ट के लिए कंसीडर करते हुए हम बात कर लेते हैं. ठीक है, अब ट्रांसवर्स ग्रेडियंट की एक और बात बता दूं. जनरली जो हमारा यहां पर मेन टैक्सी वे पेमेंट है वो लगभग 22.5 मीटर का होता है मान लो. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टैक्सी वे पेमेंट की बात करें तो ये 22.5 मीटर. ठीक है, ये टैक्सी वे पेमेंट. और टैक्सी वे पेमेंट में तुमने कितना बोला है मैक्सिमम 2%. मैक्सिमम कितना बोला है? मैक्सिमम 2%, यही बोला है. मैक्सिमम कितना बोला है? 2%. किसके लिए है? वो भी डी और ई के लिए है. लेकिन अगर हम बात करें एबीसी के लिए तो एबीसी के लिए कितना हो जाएगा? एबीसी के लिए 1.5%. तो हम मैक्सिमम वाला लिख रहे हैं. ठीक है, इसके बाद यहां पर फिर से स्लोप प्रोवाइड कर सकते हैं शोल्डर का, और शोल्डर का जो स्लोप होता है वो 5% तक हो सकता है. कितना हो सकता है? 5%. और ये कहाँ? ये पेवमेंट के एज से 3 मीटर तक तो 5% रहेगा, और इसके बाद भी यदि आपने प्रोवाइड किया तो ये वैल्यू जो हो करके वो 2% तक लिमिटेड हो जाती है. आफ्टर 3 मीटर जितना भी आप लेकर के जाएंगे, मान लीजिए x मीटर लेकर के गए, तो उसके बाद जो वैल्यू होगी वो आपकी 2%. तो यह है क्रॉस सेक्शन ऑफ टैक्सीवे. टैक्सीवे का क्रॉस सेक्शन है लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट. किसके लिए? क्रॉस ग्रेडियंट, क्रॉस स्लोप, या हम बात करते हैं किसके लिए, सॉरी किसके लिए? ट्रांसवर्स ग्रेडियंट के लिए. ट्रांसवर्स ग्रेडियंट के लिए फिर से सुन लीजिएगा कि जनरली जो हमारा टैक्सी वे का डायमेंशन होता है वो 22.5 मीटर इतना हो सकता है. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितना? 2%. किस केस में? डी और ई के केस में. बट अदरवाइज अगर हम बात करें तो कितना? 1.5%. तो 1.5% प्रोवाइड करते हैं. यहां पर 5% एजेस के बाद, पेवमेंट के एजेस, टैक्सी वे पेवमेंट का जो एज है उसके बाद 3 मीटर तक दोनों तरफ 5% तक प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम. मैक्सिमम 5%, और उसके बाद जितना भी जाना है उसमें 2% का ट्रांसवर्स ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो ये बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है. तो ये हमने किसका बनाया है? ट्रांसवर्स ग्रेडियंट का डायग्राम बना दिया है. क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम. तो नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट है तो ये अफेक्ट करता है साइड डिस्टेंसेस को. कैसे? मान लीजिए ज्यादा चेंज कर दिया, ये यहां हुआ, फिर इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, तो एक तो अंडुलेशंस आ जाएंगे. दूसरा, अगर ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा आपने कर दिया, एक लिमिट से ज्यादा चेंजेस कर दिया लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट में, एक लिमिट से ज्यादा चेंज कर दिया, ये गया और फिर इसमें गया, तो आपको क्या प्रोवाइड करना होगा? यहां पर एक वर्टिकल कर्व. क्या प्रोवाइड करना होगा? ये वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करना होगा, वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करना होगा, जो कि अन इकोनॉमिकल बना जाता है. ठीक है, इस केस में. और अगर वर्टिकल कर्व प्रोवाइड किया तो यहां से यहां तक का ये जो एयरक्राफ्ट है, यहां से यहां तक का क्या है? ये साइट हिंड्रेंस आ जाएगा. ये साइट जो है, साइट हिंड्रेंस, साइट डिस्टेंस जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगी. ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देगी. तो अगर साइड डिस्टेंस प्रॉपरली नहीं दिखाई दी, ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, तो इसलिए हमें इसको लिमिटेड करना होगा. तो ICAO ने क्या बोला है? इट रिकमेंड्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन शुड नॉट एक्सीड 1% पर 30 मीटर. हर एक 30 मीटर पर 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चेंज. जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस कितने होना चाहिए? 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हर 30 मीटर पे. 1% का चेंज हर 30 मीटर पे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. अगेन, फॉर 1% पर 30 मीटर लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व. अगर वर्टिकल कर्व की लेंथ 30 मीटर है तो उसके 1% नहीं होना चाहिए ए बी सी और टी सी टाइप के लिए, ए बी और सी टाइप के लिए. एंड 1.2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर डी एंड ई टाइप एयरपोर्ट्स के लिए. तो आई होप कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट आपको क्लियर हुआ होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ग्रेडियंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट साइड डिस्टेंस. तो साइड डिस्टेंस की बात करें, ICAO recommended that
द सरफेस ऑफ टैक्सीवे मस्ट बी विजिबल फ्रॉम 3 मीटर हाइट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर फॉर ए बी एंड सी टाइप ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अगर ए बी एंड सी टाइप की बात करते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 3 मीटर ऊपर है वो 300 मीटर की डिस्टेंस से प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, जबकि रनवे में क्या था, दोनों तरफ से प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, दोनों तरफ से प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, दोनों तरफ 3 मीटर पे प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए ए बी सी टाइप के लिए, जबकि क्या बोला गया है 100 फीट यानी 300 मीटर से विजिबल होना चाहिए 3 मीटर से, एंड डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर बी विजिबल फ्रॉम 2.1 मीटर हाइट फॉर डी एंड ई। और अगर डी एंड ई एयरपोर्ट आ गया तो 2.1 मीटर की हाइट से कितना विजिबल होना चाहिए 250 मीटर तक का एरिया प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। मतलब एक रेडियस वाइज अगर हम देखें तो यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, अगर यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ये मेरा है एयरपोर्ट का सरफेस और यहाँ पर एयरक्राफ्ट है 3 मीटर, तो 3 मीटर से 300 मीटर की रेडियस में पूरा एरिया क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं डी और ई के लिए हैं तो 2.1 मीटर की डिस्टेंस पर 250 मीटर का एरिया पूरा प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। इस तरीके से टैक्सी वे में साइड डिस्टेंस अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर हुई बात किस तरीके से होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर बात की। साथ ही साथ एक और चीज़ बताना भूल गया हूँ यहाँ पर, कि जब ट्रांसवर्स ग्रेडियंट की बात की गई थी तो यहाँ पर ICAO ने क्या रनवे के केस में मिनिमम ग्रेडियंट डिफाइन किया हुआ था, यानी कितना 0.5% ट्रांसवर्स ग्रेडियंट, बट टैक्सी वे के केस में कोई भी मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है। ध्यान रखिएगा, नोट करके पॉइंट लिखिएगा, इन केस ऑफ टैक्सी वे नो मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसवर्स ग्रेडियंट इज स्पेसिफाइड by ICAO, but in case of runway it was 0.5%। कितना था, but in case of runway it was 0.5%। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखना है, कभी ऑब्जेक्टिव बना करके आपको ये चीज पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, तो साइड डिस्टेंस हमने कंप्लीट कर ली। लास्ट है टर्निंग रेडियस, और टर्निंग रेडियस की हमने बात की है। टर्निंग रेडियस क्या होता है, मान लीजिए ये यहाँ पर आपका रनवे है, ये क्या है रनवे, ये रनवे, और ये क्या है आपका टैक्सीवे। तो टैक्सीवे का जो ये स्ट्रेट डिस्टेंस है उसको बोला जाता है रैपिड एग्जिट टैक्सीवे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ये हमारा है रेडियस ऑफ टर्न ऑफ कर्व, रेडियस ऑफ टर्न ऑफ कर्व मतलब जहाँ से हमारा ये डिस्टेंस क्लियर हो रहा है वो हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है टैक्सीवे, कंप्लीटली टैक्सीवे। तो ये टैक्सीवे एग्जिट बनाया गया है, टैक्सीवे एग्जिट या एग्जिट टैक्सीवे बनाए गए हैं, और ये हमारा कंप्लीटली टैक्सीवे है। ठीक है, तो अब देखिएगा, यहां से इसकी सेंटर लाइन आ रही है और यहां से इसकी सेंटर लाइन आ रही है, दोनों का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां पर एक एंगल बन के आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल, जिसे हम क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन एंगल। और जो यहां पर ये सपोज ये रेडियस जो बन के आ रही है, इस रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ टर्न ऑफ कर्व। क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ टर्न ऑफ कर्व, टर्न ऑफ कर्व का जो रेडियस, तो यही रेडियस को हमें डिजाइन करना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं टर्निंग रेडियस। यही रेडियस को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस की यहां पर बात की जा रही है, और टर्निंग रेडियस जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना बेटर हो जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर यहां पर जो कर्व आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो एक प्लेन में हॉरिजॉन्टल सरफेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कर्व बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व्स आर डिजाइंड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन एंड दीज आर डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट एयरक्राफ्ट कैन नेगोशिएट इट विदाउट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द स्पीड, नॉट अ स्पेस स्पीड। ठीक है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द
स्पीड, स्पीड जितनी कम से कम होगी, स्पीड जितनी कम से कम हो, सॉरी विदाउट, जितना कम से कम स्पीड को रिडक्शन करना पड़े उतना कम से कम स्पीड रिडक्शन करते हुए हमारा ये जो रनवे से टैक्सीवे की डायरेक्शन में एग्जिट टैक्सीवे से हमारा एयरक्राफ्ट निकल जाना चाहिए, इस तरीके से डिजाइन होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन तभी पॉसिबल है जब रेडियस मैक्सिमम हो, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सर्कुलर कर्व विथ लार्ज रेडियस, विथ लार्ज रेडियस आर सुटेबल फॉर दिस पर्पजेस, तो ये पॉइंट बिल्कुल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वहां पर रेडियस मैक्सिमाइज करने की बात करें, ठीक है। ये पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ठीक है। फॉर लार्ज सबसोनिक जेट ट्रांसपोर्ट, मतलब जो सबसोनिक जेट होते हैं उनके लिए मिनिमम रेडियस कितना रखा गया है, 120 मीटर रखा गया है। मिनिमम रेडियस कितना, 120 मीटर, वॉट एवर बी द स्पीड, स्पीड चाहे कुछ भी हो मिनिमम 120 मीटर है। और फॉर सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट, जो हम सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, तो फॉर सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट दिस वैल्यू इज टेकन एज 180 मीटर। मिनिमम रेडियस की बात कर रहे हैं, किसकी, मिनिमम मिनिमम रेडियस ऑफ 180 मीटर इज सजेस्टेड बाई आईआरसी। आईआरसी ने कितना सजेस्ट किया है हमारा, 180 मीटर। तो देखिएगा यहाँ पर सारे फैक्टर्स, सारे पॉइंट्स जो भी हमारे रिक्वायर्ड थे वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब बचा क्या है ये समझना, अब बचता है टर्निंग रेडियस का कैलकुलेशन। तो टर्निंग रेडियस का कैलकुलेशन में अलग अलग फॉर्मूले हैं, कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस हैं, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट करेंगे बिल्कुल तसल्ली के साथ, ठीक है। तो अभी इन फैक्टर्स को याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में टर्निंग रेडियस का कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, और उनसे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल हम अपने करने वाले हैं वो भी जल्दी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं, जितना पढ़ा हुआ है उसको एक समराइज करते हैं टैक्सीवे ज्योमेट्रिक के फॉर्म में, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय आईसीएओ ए बी सी डी ई। यहां पर टैक्सीवे विड्थ कितना, 22.5 मीटर, किसके लिए, ए और बी के लिए, और 15 मीटर किसके लिए, सी के लिए, 9.9 मीटर कितना, डी के लिए, और ई के लिए 7.5 मीटर। तो मैंने बोला था मिनिमम कितना रखते हैं, 7.5 मीटर, मिनिमम कितना, 7.5 मीटर। तो ये जो डायग्राम बनाया है उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लो, मैं करवा देता हूँ। यहाँ मैक्सिमम आप कर लो, अपन ने 22.5 लिया है तो मैक्सिमम 1.5 बन लो, कितना कर लो, 1.5% ही लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि डाटा हम किसका ले रहे हैं, ए का, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर 22.5, 15 और 9.9, 7.5, अगेन फिट में ये वैल्यू है। मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात की, 1.5% किसके लिए था, ए एंड बी के लिए, और सी डी ई के लिए 3%। जबकि मिनिमम ट्रांसवर्स ग्रेडियंट की बात करते हैं तो मिनिमम तो हमने बात की ही नहीं है, बट स्पेसिफाई नहीं है कोई भी, बट जो भी वैल्यू दी गई है हम उसको मिनिमम मान के चलते हैं, ठीक है। तो 1.5% ए बी सी के लिए और डी और ई के लिए 2%। सारा डाटा समराइज कर रहा हूँ जो भी हमने पढ़ा हुआ है, बस अलग से कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैक्सिमम रेट चेंज 1% एबीसी के लिए, 1.2% डी और ई के लिए। और अगर हम बात करें सेफ्टी एरिया विड्थ की, तो सेफ्टी एरिया विड्थ जो होता है, टर्फ और पेव्ड शोल्डर आर बट मैंडेटरली, सॉरी टर्फ एंड और पेव्ड शोल्डर मैंडेटरली बट आर सजेस्टेड इफ नीड एग्जिस्ट, ठीक है, ठीक है। तो बट नॉट मैंडेटरली, ये है बट नॉट मैंडेटरली आर सजेस्टेड इफ नीड एग्जिस्ट, अगर उनकी नीड होती है तभी हम वहां पर सेफ्टी एरिया प्रोवाइड करते हैं, टर्फ ऑफ पेव्ड शोल्डर को प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज ऐसा मैंडेटरी कुछ भी नहीं है कि हमें करना ही है, बट हम सेफ्टी पर्पज से उसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उससे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि डाटा याद रह रहा है या नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फॉर अ टैक्सी वे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला, द मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड इज 3%, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू पॉइंट है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं, कितना मैक्सिमम, 3%। अगर हम बात करें 1.5% था और मैक्सिमम कितना था, 3% था, 3% किसके लिए, बाकी सभी ए और बी के लिए 1.5% और डी, सॉरी सी डी ई के लिए 3%, ठीक है। द परमिसिबल रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 1%, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज 1%, 1% हमने बात की है, बिल्कुल सही है, किसके लिए, ए बी के लिए हमारा, और ए बी और सी के लिए 1% था, लेकिन 1.2% किसके लिए था, डी और ई के लिए। लेकिन क्या बोल रहा है, परमिसिबल, क्या मैक्सिमम की बात की है,
तो अगर यहां पर लिखा होता मैक्सिमम परमिसेबल रेट इज 1%, तब हमारा स्टेटमेंट फॉल्स होता, बट अभी तो क्या है ये ट्रू, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था यदि कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम मान के चलते हैं बाय डिफॉल्ट ए क्लास के लिए हमारी बात हो रही है, या हम बात बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं कि किसी के लिए भी बात हो रही हो, ठीक है। तो परमिसेबल लिखा है नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम लिखा होता तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, ठीक है। तीसरा, द परमिसेबल ट्रांसवर्स ग्रेड इज 1.5%। अगर हम बात करते हैं परमिसेबल ट्रांसवर्स ग्रेड, तो ए बी के लिए, ए बी और सी के लिए कितना था, 1.5% था, लेकिन डी और ई के लिए कितना था, 2% था, वो मैक्सिमम था। क्या मैक्सिमम वर्ड लिखा है? नहीं। तो ये भी कैसा हो जाएगा, ट्रू। तो हमसे पूछ रहा है ट्रू स्टेटमेंट कौन से, ए बी सी तीनों ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर, डाउट तो नहीं है? मैक्सिमम वर्ड लिखा होता तो बी और सी गलत हो जाते, मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। परमिसेबल तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें स्पेसिफाई नहीं किया। दूसरा, फॉर सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अगर हम बात करते हैं सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए मिनिमम टर्निंग रेडियस ऑफ टैक्सी वे इज 60 मीटर, नहीं 120 मीटर, इसके किसके लिए है, सबसोनिक के लिए, किसके लिए, सबसोनिक। सुपरसोनिक के लिए कितना है हमारा, सुपरसोनिक के लिए अगर हम बात करते हैं तो सुपरसोनिक के लिए हमारा है 180 मीटर, और 240 मीटर किसी के लिए भी नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर सी आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन टैक्सी वे ज्योमेट्री के बेसिस पे, क्या फैक्टर हैं जिससे हम टैक्सी वे के लेआउट डिसाइड करते हैं, और क्या फैक्टर हैं जो इसकी ज्योमेट्री को अफेक्ट करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है टर्निंग रेडियस, उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको इंक्लूड करूंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो श्योरली लाइक कर देना यार, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपको मिल जाएगा, ठीक है, थैंक यू।